आदरणीय दिलीप जी मंडल, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वह हमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू। जय भीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली यंग टर्क सुजात का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। और जब उन्होंने फोन मुझे किया तब तक सुजात नेशनल लेवल पर हेडलाइन बन चुके थे और अपने वो हनुमान चालीसा वाले स्टेटमेंट की वजह से पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही थी। और ऐसे समय में जब सुजात ने कहा कि आना है तो फिर आना है, मना नहीं कर सकते हैं, ऐसे आदमी कैसे मना कर सकते हैं, पूरा देश किसके बारे में बात कर रहा है। खैर, तो शुरू से ही शुरू करते हैं। और जितने लोग मंच पर हैं उन सबका बहुत अभिनंदन, और नीचे जो लोग बैठे हैं उसमें जयवीर पवार साहब, अंजलि मैम और बहुत सारे लोग परिचित भी हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि शुरू से ही शुरू करते हैं। मैं जब संपादक और पत्रकार एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर को देखता हूं तो संपादक और पत्रकार प्रकाश अंबेडकर मतलब नेता, स्टेट्समैन, पॉलिसी मेकर प्रकाश अंबेडकर नहीं, एक दूसरे रूप में भी प्रकाश अंबेडकर को जब मैं देखता हूं तो मैं सीधा एक जैसे टाइमलाइन में बैठा दो और उल्टा घुमा दो घड़ी को तो लगभग 32 साल पहले मैं पहुंच जाता हूं। टर्बुलेंट 1990s, बहुत कुछ हो रहा था 1990s में, राम मंदिर का ताला खुल चुका था, लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था, वीपी सिंह की सरकार बन चुकी थी, मंडल कमीशन आ रहा था, मतलब तूफान मचा हुआ था देश में। और उस तूफान के बीच में एक 22 साल की उम्र में मैं दिल्ली जर्नलिज्म करने के लिए गया था, और उस समय जो भारतीय राजनीति में कुछ बहुत चमकते हुए चेहरे थे जिनका की पॉलिसीज पर, देश को चलाने पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था, बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से हो रही थी, जो कुछ प्रोसेसेस के पार्ट थे उसमें कई सारे नाम थे, वीपी सिंह ऑब्वियसली यस, मधुलिमय, मधु दंडवते, रामविलास पासवान, उनको कैसे भूल सकते हैं, अब वो नहीं है, और प्रकाश अंबेडकर। पार्लियामेंट में, पॉलिसी मेकिंग में, और उस समय जो बहुत कुछ हुआ, बाबा साहब की पोर्ट्रेट पहली बार पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी, उनके जन्म पर राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी दी गई, और उनके जन्मदिन की छुट्टी बहुत बड़ी घोषणा थी, इसके अलावा भारत रत्न दिया जाना, ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि ये सारे लोग थे। ये सारे लोग नहीं होते तो भारत का शेप शायद इस तरह का नहीं होता। जब मैं ये कह रहा हूं तो बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि 90s की वो जो सरकार थी, जो मुश्किल से एक साल और थोड़ा समय बिता पाई, उसने भारत की पूरी तस्वीर कई मायनों में बदल कर रख दी। ये अगर आप उन 13 महीनों को जस्ट आप उस हिस्ट्री के पूरे ट्रेजेक्ट्री से निकाल के रख दें, उस 13 महीनों को आउट कर दें, तो आपको भारत इस तरह का नहीं दिखेगा। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि मंडल कमीशन नहीं आया होता, उस पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लाया गया होता जिसमें कि बाला साहब भी थे, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज अर्बन स्पेस में जो कई लाख ओबीसी मिडिल क्लास में हैं सरकारी नौकरियों की वजह से, और शायद तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में करोड़ों की संख्या में जो ओबीसी हैं, वो नहीं होते अगर वो 13 महीने नहीं होते उस समय के। तो आप समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट समय था, जिस समय एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर सिर्फ उसको ऑब्जर्वर की तरह नहीं देख रहे थे बल्कि उस प्रोसेस के पार्ट थे, उस प्रोसेस को ड्राइव कर रहे थे। तो इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं सर, आपने जो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उस समय हिस्ट्री के कोइंसिडेंस की वजह से वहां पर थे, इसलिए क्योंकि आप इस एक रोल में थे और जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ।
खैर तो ये एक पुरानी कहानी है जो मुझे लगा कि आज याद करने का मौका है और इसलिए मैंने उस मौके को याद किया। अब मैं इस जो प्रबुद्ध भारत को दोबारा लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है और जिसकी वजह से बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो रहा है अभी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, उसको मैं बहुत संक्षेप में ही रखूंगा क्योंकि इसके बाद हमें बाला साहब को भी सुनना है। तो मैं कई बार सोचता हूं कि जैसे 1920 में बाबा साहब मूक नायक लॉन्च करते हैं और उसके बाद बहिष्कृत भारत लॉन्च करते हैं, शायद सीक्वेंस यही है, फिर समता और जनता और फिर प्रबुद्ध भारत, ये उनकी जर्नलिज्म है। लगभग 30 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने पत्रकारिता की, मतलब बहुत कुछ कर रहे थे बाबा साहब। एक समय में वो शेड्यूल्ड कास्ट को वो स्थान दिलाने की कोशिश कर रहे थे जो शायद उनको मिलना ही चाहिए था, और इसके अलावा वो इंडिया की डेमोक्रेसी की नींव रख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, वो इवन जो भारत में रिजर्व बैंक जो बनने की जो प्रोसेसेस है उसके उसके पार्ट थे, बहुत सारा कुछ करते हुए पत्रकारिता भी कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन के शुरुआती समय में मूक नायक और बहिष्कृत भारत निकालता है और वही व्यक्ति आगे चलकर जनता, समता और प्रबुद्ध भारत निकालता है। आप देखिए इसके सिमियोटिक्स देखिए, इन शब्दों के मायने देखिए और वो क्या कर रहे थे। यही मैं असल में इस पूरे अपने डिलिबरेशन का कोर, मेरी जो थीसिस है वो ये है कि बाबा साहब को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस ट्रेजेक्टरी को समझिए कि मूक नायक टू बहिष्कृत भारत टू जनता, समता और प्रबुद्ध भारत। तो एक्चुअली बाबा साहब क्या कर रहे थे, अगर आप देखेंगे 90s में वो क्या कर रहे थे, सॉरी 1920s में क्या कर रहे थे और 1940s एंड 50s में क्या कर रहे थे, इससे आपको ये पता चलेगा कि वो जो नाम वो रख रहे थे अपने जर्नल्स का, अपनी मैगजीन्स का, अपने पत्रिकाओं का, वो ऐसे ही नहीं था कि मन किया मैंने नाम रख दिया मूक नायक, फिर मेरे मन किया मैंने नाम रख दिया प्रबुद्ध भारत। इतना सिंपल नहीं है। बाबा साहब को जो प्रैग्मेटिक बाबा साहब हैं, जो डेवी के स्टूडेंट बाबा साहब हैं, वो अपना नाम इतने हल्के में मेरा मन किया इसलिए मैंने एक नाम रख दिया, ये इतना सिंपल नहीं है। वो क्या कर रहे थे दरअसल, इसको देखने के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, जो लोग आप जिनके पढ़ने में दिलचस्पी हो वो बाबा साहब पर एक किताब लिखी है क्रिस्टोफ जेफरले ने, और वो किताब हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में आई है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो क्रिस्टोफ जेफरले की बुक है, बाबा साहब की संक्षिप्त जीवनी है, लाइफ हिस्ट्री है, लेकिन वो बाबा साहब की बदलती स्ट्रेटजीज पर है कि बाबा साहब बदलते समय के साथ अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बदल रहे थे। जो 1920s में बाबा साहब कर रहे थे वो 1940s में बाबा साहब नहीं कर रहे थे। इसलिए कोई आदमी अगर ये कहे कि बाबा साहब 1920s एंड 30s में टेम्पल एंट्री मूवमेंट कर रहे थे इसलिए 2020 में हमें टेम्पल एंट्री मूवमेंट करना चाहिए, ये बाबा साहब की रॉन्ग रीडिंग होगी। बाबा साहब को गलत तरीके से पढ़ना होगा। अगर कोई ये कहे कि बाबा साहब मंदिर जाने के लिए कह रहे थे, अब हम सबको मंदिर जाना चाहिए, जो कि कई बार कई पॉलिटिकल पार्टी इस समय भी कर रही है, इवन सीपीएम भी कर रही है, तमिलनाडु में उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला रखा है, ये बाबा साहब की गलत रीडिंग है। बाबा साहब जिस समय टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला रहे थे, बाबा साहब सिर्फ एक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ एक नेगोशिएशन में थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शेड्यूल कास्ट जो है वो हिंदू रिलीजियस जो सीट्स हैं वहां उनको एंट्री भी नहीं मिल रही है तो वो हिंदू नहीं है, इस वजह से हमें अलग माना जाए और हमें वही राइट्स मिले जो माइनॉरिटीज को मिलते हैं। ये बाबा साहब शेड्यूल कास्ट के लिए राइट्स लेने के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट एज स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कालाराम मंदिर मूवमेंट के बाद फिर कभी उन्होंने मंदिर एंट्री का मूवमेंट नहीं चलाया। तो बाबा साहब को अगर आपको समझना है तो बाबा साहब को उस यात्रा को समझना पड़ेगा और लगातार अपनी स्ट्रेटजी जो बदलते जा रहे हैं, किसी समय वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं लेकिन किसी समय उसी कांग्रेस के बुलावे पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट भी बन रहे हैं। अब कोई कह सकता है कि बाबा साहब कांग्रेस से नाराज हैं, वो किताब लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया, गांधी के साथ भिड़ रहे हैं और लगभग वो कुश्ती की तरह की लड़ाइयां लड़ रहे हैं,
हुए अनटचेबल से लेकर एनालिसिस ऑफ कास्ट में वो कांग्रेस को क्रिटिक कर रहे हैं, लेकिन उसी कांग्रेस के कैबिनेट में भी जा रहे हैं और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहे हैं। तो बाबा साहब क्या कर रहे हैं दरअसल, लेकिन वो यही है कि वो अलग अलग समय में अलग अलग काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब को अगर कोई एक टुकड़ा एक कोटेशन निकालकर बीजेपी आजकल करती है कि दो लाइन निकालकर वो पार्टीशन पर जो उनकी थीसिस है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, वहां से दो लाइन निकालकर वो साबित कर सकते हैं कि मुसलमान के विरोधी थे। इसी तरह से किसी डिबेट से दो लाइन निकालकर बाबा साहब को कह देंगे कि ये शेड्यूल ट्राइब के विरोधी थे। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आपको देखना है तो उसको एक कंप्लीट पिक्चर में देखें, कोलाज का एक टुकड़ा निकालकर बोले कि ये पूरी में पूरी जो तस्वीर है इसका ये कोना जो काला है इसलिए पूरी तस्वीर काली है, ये अगर करेंगे तो बाबा साहब की रॉन्ग रीडिंग होगी। खैर, तो बाबा साहब जिस तरह से अपनी पत्रिकाओं का नाम रख रहे थे उस पर मुझे मेरा ये कहना है कि बाबा साहब की ये पूरी यात्रा को दिखा रहा है कि वो उन्होंने किस तरह से जर्नी की, किस समय उन्होंने अपने एकेडमिक काम पर फोकस किया, किस समय वो लॉयर बाबा साहब हैं, किस समय वो पॉलिसी मेकर बाबा साहब हैं, अलग अलग रोल में हैं, किसी समय वो एजुटेशन करते हुए बाबा साहब हैं। तो ये उनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं और उनमें से किसी एक टुकड़े को पूरा बाबा साहब समझ लेना बाबा साहब की रॉन्ग रीडिंग होगी। तो ये नहीं करना चाहिए, पूरा के पूरा उनको देखना चाहिए। आखिरी बात कि क्या इस समय जबकि बीजेपी सत्ता में है, 2014 उन्होंने जीत लिया है, 2019 जीत लिया है, अब वो उन्होंने 2022 में यूपी जीत लिया है, मुमकिन है, पॉसिबल है, नहीं भी हो सकता है कि अगला चुनाव भी जीत लें। लगभग बीजेपी अब एक तरह से भारत की सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी है। बीजेपी एक दो चुनाव हार भी जाएगी तो भारत किन इश्यूज पर बात करेगा, भारत में किन विषयों की चर्चा होगी, ये बीजेपी डिफाइन करेगी अभी आने वाले कुछ समय में, ये लगभग फिक्स है। तो क्या ये कहा जाए कि बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था और बाबा साहब ने जो कल्पना की थी और जिस राष्ट्र की जिस यात्रा की उन्होंने कल्पना की थी, क्या वो गलत थे? क्या वो नहीं समझ पाए थे कि देश को 70-75 साल बाद यहां पहुंच जाना है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय उन खतरों को नहीं समझ पा रहे थे जहां पर वो पहुंचा है देश? मुझे लगता है कि बाबा साहब को सिर्फ अगर इस तरह से देखा जाए कि पॉलिटिशियन बाबा साहब या कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले बाबा साहब के रूप में, तो हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते। बाबा साहब अभी भी आइडिया और आइडियोलॉजी के तौर पर भारत की सबसे चमकती हुई शख्सियत है। बाबा साहब को माइनस करके अब भारत की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिक्स बीजेपी क्यों नहीं करे। मतलब अब तो जय हिंद बोलना ही पड़ेगा, वो केजरीवाल को भी बोलना पड़ेगा और वो जय हिंद बाबा मोदी को भी बोलना पड़ेगा और उनको जाकर साल में दो बार फोटो पर उनका फूलमाला चढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो बिना मन के कर रहे हो। ये बाबा साहब है। बाबा साहब किसी व्यक्ति का परमानेंट हो जाना, लगभग उसकी छाप पड़ जाना भारत में आज की तारीख में डिस्कोर्स में, आइडिया और आइडियोलॉजी में बाबा साहब एक परमानेंट फिक्स्चर है। और धीरे धीरे जो हो रहा है, कम से कम जनता के लेवल पर अगर सेलिब्रेशन की बात है तो गांधी को अब सिर्फ सरकार सेलिब्रेट कर रही है और बाबा साहब को अब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। तो विचारों की लड़ाई जो गांधी और अंबेडकर की 1930s और 40s में हुई थी, इसमें आप समझ गए होंगे कि विजेता कौन है, जीत किसकी हुई है। आज नोट जो करेंसी है उसमें से हटा दें तो लगभग पब्लिक डिस्कोर्स से गांधी गायब हो चुके हैं। विचार की जीत जो है, आइडिया की जो जीत है, वो बाबा साहब अल्टीमेटली अपने न होने के 40-50 साल बाद हासिल कर चुके हैं। आज की तारीख में भारत में अगर देवताओं को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की, और अब वो महाराष्ट्र के नहीं है। अब वो आप क्लेम कर लें कि महाराष्ट्र के हैं, बाकी लोग छोड़ दो और हम अपने समेट लेंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा ना। बाबा भूल जाइए, मतलब तमिलनाडु के गांव में वो बच्चा जब एग्जाम देने जा रहा है तो बाबा साहब के मूर्ति के सामने सिर झुका के जा रहा है, कैसे रोक लोगे? मतलब अब आप क्लेम भी कर लो कि बाबा साहब महाराष्ट्र के हैं तो अब ये सबका कोई मतलब नहीं है। इज नेशनल, रादर इज ग्लोबल।
मतलब वो आप उस समय दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब की मूर्ति और बस्ट और फोटोज लगी हुई हैं वो गांधी से बहुत आगे निकल चुका है। तो वो पूरा एक ग्लोबल एक आइकन के तौर पर बाबा साहब की स्थापना हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ ये है कि उनके आइडिया और आइडियोलॉजीज की अगर पॉलिटिक्स में इस समय वो स्पेस नहीं है। देखिए आइकन के तौर पर बाबा साहब निश्चित रूप से एस्टेब्लिश हो गए हैं, उनके एक इमेज के तौर पर, इमेजरीज के तौर पर, छवि के तौर पर उनकी स्थापना हो चुकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाबा साहब के सपनों का भारत बन गया है, वो बल्कि थोड़ा पीछे गया है। और इस समय जिस तरह की सरकार है, जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह की पॉलिसीज बन रही है, उसमें इवन जो आरक्षण है वो खतरे में है। ईडब्ल्यूएस जो है वो एक तरह से भारत के हर आरक्षण को खत्म करने की उसमें क्षमता है, आप जानते हैं जिस तरह से ये सरकार लगातार लेटरल एंट्रीज के जरिए रिक्रूटमेंट कर रही है उसमें, जिसमें आरक्षण नहीं होगा। धीरे धीरे वो जिस तरह से आउटसोर्स कर रही है जॉब्स को, पब्लिक सेक्टर को छोटा कर रही है, बहुत सारी चीजें इस समय हो रही हैं जो बाबा साहब के कल्पना का जो देश था, जिस तरह से जेंडर के इश्यूज पर ये सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सेकुलर स्टेट को एक तरह से थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश इस दौरान हो रही है, मनुस्मृति की स्थापना की कोशिश हो रही है, इवन हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक बदले जा रहे हैं, भारत में ये झूठ बोलने की कोशिश हो रही है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो सरस्वती सिविलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। सरकार इस समय उस प्रोजेक्ट को चला रही है, मुश्किल ये है। एक तरह से कोई पार्टी चला रही होती तो अलग बात है, गवर्नमेंट इस समय इंडिया को बाबा साहब के सपनों से दूर ले जा रही है। तो इसमें चैलेंज है कि किस तरह से बाबा साहब के सपनों को फिर से साकार किया जाए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुश्किल प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है इसलिए करने लायक है। जो काम मुश्किल हो उसको किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि बाबा साहब के सपनों का भारत अगर अभी होता तो भारत इस समय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया का 130वें नंबर का देश नहीं होता। अगर बाबा साहब के सपनों का ये देश होता तो भारत की इतनी कम आबादी इस समय यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर नहीं होती। बाबा साहब के सपनों का भारत होता तो लगभग हर स्टूडेंट को भारत के यूनिवर्सिटी जाने का अधिकार हो रहा होता, जो नहीं। तो इवन जो जिस तरह से उन्होंने लेबर राइट्स पे काम किया, बहुत सारे इश्यूज पर जो जिस तरह से वो देख रहे थे भारत को बनता हुआ, कास्ट को वो एनहेलेट होते हुए देख रहे थे, वो विदरिंग अवे ऑफ कास्ट देख रहे थे, जो आज नहीं हो पाया है। कास्ट आज पहले से कम मजबूत नहीं हुआ है तो उतना ही लगभग आपको चल रहा है। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं कि बाबा साहब के आइकन के तौर पर स्थापना और बाबा साहब के आइडिया और आइडियोलॉजी पर देश का चलना पीछे हुआ, दोनों चीजें साथ साथ हुई हैं। तो बहुत ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी और डायकोटोमी है, लेकिन मतलब हिस्ट्री उतनी लीनियर कहां होती है। मतलब जैसा हम लोग चाहते हैं कि कोई कहानी तो है नहीं कि लिख दी और उस पर चीजें चल रही हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप सब लोग हैं और हम लोगों को आप सब लोग काफी सीनियर लोग भी हैं, हम लोग आप लोग गाइड करें कि इस समय चीजें किस तरह से होनी चाहिए, और अगर ये हो तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाला साहब ने ये प्रोजेक्ट लिया है कि प्रबुद्ध भारत में लगातार वो एडिटोरियल्स लिख रहे हैं, तो ये एक तरह से हिस्ट्री भी डॉक्यूमेंट हो रही है और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण काम है। मैंने काफी समय लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नव बुद्धाय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।